नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक आपट और मेरे साथ है सत्य भाई। सत्य भाई अभी फ्रेम में नहीं है, लेकिन उनका लाल परी, उनका चश्मा फ्रेम में है और उनका स्कूटी। अभी हम लोग यहाँ पर माड़ो गुफा के पास में हैं। इधर से जाने का रास्ता है, आप लोगों ने वो देखा हुआ है एक वीडियो में। और आज हम लोग विलेज घूमने का सोच रहे हैं और इसलिए निकल पड़े हैं। मैंने आप लोगों को उस दिन बोला था जब हम लोग माड़ो गुफा घूमने के लिए आए हुए थे, उस वीडियो में मैंने बोला था कि इधर एक रास्ता जाता है जिधर जाते हैं अमलीडीह गांव, हम लोग कभी आएंगे इस गांव में विजिट करेंगे बोल के। तो आज वो दिन है, हम लोग जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग अभी एक छोटा सा पिकनिक करने वाले हैं, कुक नहीं करने वाले हैं कुछ। हम लोगों ने एक होटल से पिक करवा के लेके आया हुआ है, अभी डिक्की में है, वो खाएंगे और उसके बाद घूमने के लिए निकल पड़ेंगे। तो सत्या भाई से आप लोग मिल लीजिए दोस्तों। तो इधर है दोस्तों सत्या भाई। हाय। इधर में है माड़ो गुफा, इधर से जाते हैं। आप लोगों वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों अच्छे से, ठीक है। माड़ो गुफा दीपक आपट आप लिखेंगे तो आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम लोग कुछ खा लेते हैं। कौन है आपको? खाना पीना हो गया है, अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। तो ये है दोस्तों अमलीडीह गांव, एक छोटा सा गांव है ये, जो कि करवारजोर ग्राम पंचायत में आता है, लेलुंगा विकासखंड में, रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता है ये छत्तीसगढ़ के। यहाँ पर कुछ ही घर हैं, इधर देख सकते हैं कुछ इधर हैं और फिर करवारजोर बस्ती है आगे। उस दिन मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं इस गाँव का वीडियो बनाऊँ, वैसे एक छोटा सा गाँव है, वीडियो बनाने के लिए कुछ अलग से ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये आप लोग कोई मिर्ची जला रहे हैं यार, उधर भी खांस रहे हैं, सॉरी। ये करवारजोर बस्ती पहुंच चुके दोस्तों हम लोग। वो अमलीडीह भी करवारजोर ग्राम पंचायत में ही आता है। हो गया दोस्तों हम लोग घूम लिए अमलीडीह करवारजोर गांव। जंगल के रास्ते से होके गए थे हम लोग, लेकिन मेन रास्ते से होकर आ गए। और अभी हम लोग कोतबा पहुंचने वाले हैं, लेकिन कोतबा पहुंचने से पहले एक जगह रुके हुए हैं। यहाँ पर कच्चे केले देखने को मिले दूर से, यहाँ खेती किए हुए हैं धान की, और निगरानी करने के लिए घर भी है। पूछते हैं लेकिन है तो सही। जीतेगा, नमस्कार। तुम्हारे यार घर है ये देखिए दोस्तों। हाँ फल, आज से पहले मैं 2-3 बार आप लोगों को बोल चुका हूँ कि ये जो ग्रीन बनाना है ना कच्चे केले, उससे मुझे कुछ डिश बनाना है, अफ्रीकन डिश मटोके, युगांडा में ये बहुत फेमस है, मैंने एक वीडियो में देखा हुआ था, तो वो मैं ट्राई करता। ज़्यादा कुछ उसके लिए तामझाम नहीं है, जस्ट उसको कुछ मेथड से बॉइल करना पड़ता है और सीधा खाओ, लेकिन वो अपन ट्राई करेंगे। मेरे घर के पास भी है, लेकिन अभी वो खाने के लायक नहीं हुआ है। ग्रीन तो है लेकिन बहुत छोटा, एक दर्जन ले जाएंगे सोच रहे हम लोग। तो हिस्स वाला जी ले, ये इन्हीं का प्रॉपर्टी है सारा कुछ। और यहाँ पर एक स्वरज घर ही थे, हाँ चलिए उधर एक बार जाके देखते हैं। आइए आप लोग, ये सिंचाई पाइप है इनके पास काफ़ी सारा। अच्छा ठीक है, चलो वो काटने के लिए इनके पास कुछ सुविधा नहीं है दोस्तों, तो बस्ती लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो उनके साथ सतिया भाई जा रहे हैं स्कूटी से, वो पास वाला बस्ती में जाएंगे हसुआ लेने के लिए। ये काटने के लिए नहीं है अभी इनके पास कुछ चाकू या कोई धार। अभी मैं खुद जा रहा हूँ दोस्तों कटिंग करने के लिए, ज़्यादा मजबूत नहीं है। देख भाई आराम से चढ़िया में पकड़ देता हूँ, नहीं लागे नहीं लागेगा, नहीं लागे। हाँ
ले तो खींच कर। हेलो दोस्तों। बस हो गया आज। सही हिलेगा डरता। या मिशन सक्सेसफुल। हाथ धो लो होगा पूरा। इधर लट लट हो गया। इधर पानी इधर घर में खेत वाला पानी। बहुत गहरा है यार। दिक्कत। लेके जाने का जुगाड़ भैया जी दे रहे हैं। इसमें लेके जा रहे हैं तौलिया में लपेट के। अलग अलग सीजन है, अलग अलग साग सब्जी जगात रहता है। हाँ, पानी का तो फुल सुविधा है यहाँ पे। आज बहुत उमस हो रहा है दोस्तों। कल बारिश हुई थी एकदम जोरदार। चलिए अब मैं सीधे घर में मिलता हूँ आप लोगों से। दोस्तों अभी हम लोग आए हुए हैं पुराने घर ये केला का पत्ता लेने के लिए। वो किस काम आने वाला है मैं बताऊंगा, आप लोग देखिएगा। लेकिन उधर से चढ़ना पड़ेगा। सत्य भाई ये देखिए दोस्तों, काफी सारे अमरूद हैं अभी भी पके पके। खाएगा अमरूद? अमरूद हाँ। अमरूद नहीं, सीताफल खाएंगे। मिल गया, पका है? हाँ, पका है। ये सीताफल दोस्तों देख, अभी भी है काफी सारा। ये देखिए, थोड़ा था तो पहले भी नहीं तो? बच्चे लोग आके खा जाते हैं। वो देख लिया, ये वाला बोल रहा है। दिख गया मेरे को। ये सही है दोस्तों, लेकिन ये वाइट वाइट होता है ना, थोड़ा फफूंद सा लगा हुआ दिखता है। उसको हटा के खा सकते हैं वैसे। और मिल गया सत्या भाई को। वाह, ये अभी हम लोग खाने वाले दोस्तों। आप लोगों को अच्छा लगता है नहीं बताइएगा। उसमें दो ठो है, कितना दो ठो है? ये सब काम आएगा, ये सब काम आएगा। चल चाकू पकड़ो पकड़ो। शाम होने को है दोस्तों, और हम लोग ये कुक करेंगे घर के छत में लकड़ी जला के। देते हैं इसको, एक बार और धोना पड़ेगा। वैसे ठीक है फिलहाल ना। इसका पूरा हरा वाला पार्ट हटाना होता है पूरी तरह से। ये जो हम लोग डिश बना रहे हैं, ये डिश युगांडा में बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों, अफ्रीका कंटिनेंट के। और सिर्फ युगांडा में ही नहीं, अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री में ये बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन बनाने के अलग अलग मेथड हैं। आज जो हम लोग बना रहे हैं युगांडा कंट्री में कैसे बनाते हैं उसको हम लोग फॉलो करते हुए बना रहे हैं दोस्तों। तो और ये मसालेदार भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग बहुत सिंपल जस्ट बॉइल्ड करने वाले हैं। और केनिया में कैसे बनाते हैं इसको, पूरा ऐसा निकाल के रखते हैं और आलू भी बड़ा बड़ा काटते हैं और पूरा एक साथ जब मसाला रेडी हो जाता है तो उसमें डालते हैं गोटा गोटा बिना बॉईल किए। देखने में नहीं 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 वैसे ही रहता है हा? वैसे ही रहता है ये? मटोके शायद थोड़ा अलग होता है। जो मटोके होता है वो बनाना का ही टाइप है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है।
लेकिन इससे बना सकते हैं। हम लोगों का आग भी रेडी है लगभग। हरा वाला पार्ट को पूरा हटाना ना, नहीं तो नहीं मजा आएगा। इसको कई तरह से खाते हैं लोग, चिकन के साथ भी इसका रेसिपी बनाते हैं। मतलब ये जोमेटो के रेडी हो जाता है तो चिकन के साथ खाते हैं, और अलग अलग मेथड है हर चीज़ के। जैसे कि पनीर है, तो पनीर कितने तरह का बनता है भाई, पालक पनीर, मटर पनीर, और भी क्या क्या पनीर है ना। तो उसी तरह के भी इसके भी अलग अलग मेथड हैं बनाने के। एकदम मोटा मोटा काट दे रहे हैं जल्दी के चक्कर में। अफ्रीकन कंट्रीज़ में तो दोस्तों केले को रोस्ट भी किया जाता है। युगांडा में केले से बना हुआ हर डिश बहुत फेमस है। स्ट्रीट फूड में भी केले से बना हुआ बहुत सारा अलग अलग डिश है। जब मैं अफ्रीका जाऊंगा तो अगर पॉसिबल हो, बजट सही बने, तो केन्या तो मैं जाऊंगा ही, तो केन्या के साथ मैं युगांडा, रवांडा और तंजानिया भी उसमें इंक्लूड करूँगा। बात पैसे की है, और फिलहाल तो पैसे की भी नहीं है। केन्या भी बंद है इंडिया के लिए, मैंने चेक किया था। युगांडा ने ओपन कर दिया इंडिया के लिए, रवांडा ने, लेकिन आप जाएं किधर से भाई। केन्या से जाओ और केन्या से बाइलैंड उन कंट्रीज़ में जाओ तो आपको बजट सही पड़ेगा, चीप पड़ेगा थोड़ा, वरना आप कतर के साइड से जाना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में। युगांडा से भी मेरी एक फ्रेंड है शैला, अब ये पत्ते काम आने वाले हैं। बस इतना काफी है, बस अब इसको पकने के लिए लगभग लगेगा आधा घंटा का टाइम, तब तक के लिए हम लोग चिकन लेके आ जाते हैं। आज चिकन भी बनाएंगे। ये जो मटोके रेडी होगा उसका चिकन के साथ भी खा सकते हैं, अलग भी खा सकते हैं, हम लोग को जैसा अच्छा लगेगा हम लोग करेंगे। शायद हो गया दोस्तों, 40-50 मिनट हो गए, शायद 1 घंटा हो गया। चिकन बनाने की भी तैयारी हो चुकी है। इधर लाइट नहीं है यार, नहीं तो लाइट का व्यवस्था कर लेते, दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मौसम ख़राब होता है तो मौसम ऐसा हो चला है जैसे कभी भी बारिश हो सकती है। चलिए इसको थोड़ी देर में मैं देखता हूँ, पहले चिकन धो लेते हैं।
ये अब चिकन बनाने की तैयारी हो चुकी है। डाल दे। सब मसाले को भी डाल दे रहे हैं, बाद में चिकन डालेंगे जब ये मसाला पक जाएगा। तो एवरेस्ट डाल दिए, अब हो गया। तो आज का डिनर तैयार है दोस्तों, चिकन चावल और ये मटर के पता नहीं कैसे बना हुआ है। उसी समय हम लोगों को इसको ऐसे मिक्स देना था। पूरा मिक्स डालते हैं, इसे पूरा एक पेस्ट बन जाना चाहिए। इधर दिखाई सत्या भाई थोड़ा पास से, ये देखिए दोस्तों, शायद और थोड़ा सा पकना था, कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग चावल निकालते हैं, पापा मैं और सत्या भाई खाएंगे, मम्मी बाद में खाएंगे शायद। तो खाने के लिए बैठे हुए दोस्तों, अभी थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने मटर के लिया हुआ है राइस और चिकन। मैंने देखा है कुछ वीडियोस में कि मटर के को चिकन के साथ खाना अच्छा लगता है, तो ट्राई करते हैं। सही है यार, अगर इसको अलग से खाएंगे तो सीठा शकरकंद जैसा लगेगा थोड़ा, कुछ उसका कुछ अलग से फ्लेवर नहीं है, जस्ट सिंपल। लेकिन इसको कुछ मसाले के साथ खाएं, अगर आप लोगों को मसालेदार खाना है तो ये जो मटर के इसको बॉईल होने के बाद उसमें आप फिर से उसको कुछ अलग रेसिपी से बना सकते हैं। प्याज डाल के उसको फ्राई करिए, कुछ उसमें मसाला वगैरह ऐड कर सकते हैं, या तो आप ऐसे चिकन के साथ खाएं। हम लोगों का डिनर हो गया है दोस्तों, और सत्या भाई अभी जा रहे हैं अपने घर के लिए। अभी रात के 9:15 बज रहे हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो एंड करने का समय हो चुका है, आप लोग अपना ख्याल रखिए, बहुत ही जल्द मिलेंगे हम इतने वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।